शिक्षा विभाग ने इंटर कॉलेज कमेड़ी देवी में प्रबंध समिति के चुनाव को स्थगित कर दिया है, लेकिन नामांकन के ठीक एक दिन पहले पहुंचे आदेश के बाद प्रबंध समिति के प्रत्याशियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्षेत्र के अभिभावक जब स्कूल पहुंचे तभी उन्हें पता चला कि शिक्षा विभाग ने 23 सितंबर की तिथि को स्थगित कर दिया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सिंह सोन ने अपने एक आदेश में कहा है कि कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया के निर्देशों के क्रम में प्रबंध समिति के चुनाव अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिए गए हैं। विद्यालय के पूर्व प्रबंधक राजेंद्र सिंह राठौर ने शिक्षा विभाग के इस आदेश पर हैरानी और नाराजगी व्यक्त की है। विद्यालय प्रबंधन समिति के चुनाव, जिसकी हम सभी सदस्यों को विद्यालय द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा भी और व्यक्तिगत रूप से हमें बताया गया था कि 22 तारीख को विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए नामांकन होगा और 23 को चुनाव होगा। लेकिन आज जब हम नामांकन के लिए विद्यालय में पहुंचते हैं तब हमें पता लगता है कि ये चुनाव व्यावहारिक कारणों के कारण जिला शिक्षा अधिकारी सीओ साहब द्वारा के पत्र के अनुसार, जैसे कि प्रधानाचार्य जी ने हमें बताया और ये लेटर हमें प्रधानाचार्य जी द्वारा दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि ये चुनाव अग्रिम तिथि तक टाले जाते हैं। ठीक है, चुनाव टलते भी हैं, चुनाव होते भी हैं। हमारा ये कहना था इसमें कि जब चुनाव घोषित हो गए थे तो बहुत शॉर्ट पीरियड पर इन चुनावों को टालने का कोई औचित्य हमें नजर नहीं आ रहा है, और सत्तारूढ़ दल के दबाव में कुछ उनके कार्यकर्ताओं के कहने पर और झूठी शिकायत पत्रों के हिसाब से जो ये चुनाव टाले गए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि राजनीति विद्यालय जैसे स्थान में राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और ये बड़े दूर दूर से हमारे माननीय गंगा सिंह मेहरा जी दुल्ला से आए हुए हैं, पप्पूलाल वर्मा जी धर्मगढ़ से आए हुए हैं, आदनी फकीर राम जी झागरा से आए हुए हैं, और इसी क्रम में हमारे जो अन्य साथी हैं ये बड़े दूर दूर गाँव से जगत सिंह मेहरा जी आए हुए हैं, ये इस विभाग के स्थायी मेंबर हैं। तो ये चुनाव टाला जाना, इसके लिए हमने आज प्रधानाचार्य जी द्वारा हमें अवगत कराया गया है। हम इसके लिए अब ये आगामी सोमवार को बागेश्वर जिलाधिकारी महोदय से जाके इसके विषय में हम वो करेंगे, अपना पता करेंगे इसके बारे में कि क्यों ये चुनाव टाले गए हैं। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।